बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराबबंदी कानून को सफल बनाने में नीतीश सरकार की पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। एक ओर जहां बिहार की पुलिस शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर महज कुछ रुपयों के लिए झारखंड पुलिस की मदद से बिहार में शराब भेजा जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब झारखंड के देवघर में पदस्थापित एक ASI द्वारा झारखंड नंबर की एक कार में अंग्रेजी शराब भरकर बिहार लाया जा रहा था। वहीं बिहार ALTF की टीम ने गाड़ी से शराब बरामद करने के साथ ASI समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ALTF प्रभारी नीलमणि कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर देवघर के ASI विजय कुमार मंडल सहित 4 लोगों को धर दबोचा है। दरअसल काले रंग के वाहन पर पुलिस लिखकर सभी बदमाश पीरपैती थाना क्षेत्र के दानापुर मोड़ होते हुए वाहन में बियर की बोतल लेकर जा रहे थे। तभी गुप्त सूचना के आधार पर ALTF प्रभारी नीलमणि कुमार ने अपनी टीम के साथ निकले और दानापुर मोड़ के समीप 5 लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि छापेमारी टीम ने ASI विजय कुमार मंडल, दिलीप यादव, जितेंद्र कुमार मिश्र, राजीव कुमार पांडे और विक्रम कुमार को गाड़ी से शराब के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने 500 ml के 9 बोतल बियर बरामद किए हैं, जबकि ASI समेत सभी 5 लोगों पर कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नवगछिया प्रवत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत गरैया गांव के पास 14 नंबर सड़क पर बीते शनिवार को हुए पूर्णिया के टीकापट्टी निवासी फाइनेंस कर्मी नकुल कुमार पासवान से लूटपाट के क्रम में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं त्वरित कार्रवाई करते हुए नवगछिया पुलिस ने घटना में शामिल 5 अपराधियों की गिरफ्तारी कर घटना का उद्भेदन कर दिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रंगरा के चापर निवासी अखिलेश कुमार उर्फ अकला मंडल, इस्माइलपुर के छोटी पर्वता निवासी दीपक कुमार, सिंटू कुमार, अभिषेक कुमार और डूलो कुमार के रूप में हुई है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 34,900 नगद रुपये के साथ 2 देशी कट्टा, 2 खोखा, 1 बिंडोलिया, मृतक फाइनेंस कर्मी का बैग, बायोमेट्रिक डिवाइस और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। वहीं इसको लेकर प्रवत्ता थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवगछिया SP शांत कुमार सरोज ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। SP ने बताया कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूटी गई सामग्री के साथ अवैध हथियारों को बरामद कर लिया है। SP शांत कुमार सरोज ने कहा कि फाइनेंस कर्मी की हत्या को अपराधियों ने बड़ी ही सफाई और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया था, लेकिन अपराधी घटना के क्रम में एक दूसरे को नाम लेकर कुछ बात बोल रहे थे और यही चूक अपराधियों को भारी पड़ गई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को दबोच लिया। SP ने कहा कि घटना के कुछ देर बाद ही वे घटनास्थल पर पहुंचे और मुआयना करने के बाद सभी पदाधिकारियों को स्थानीय लोग एवं प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर जानकारी एकत्रित करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही कहा कि SDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में SIT का गठन कर तेज तर्रार पुलिस पदाधिकारियों को शामिल कर जाँच शुरू की गई, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना की जानकारी मिलते ही हम भी घटनास्थल पर पहुंच गए। SDPO साहब ने टीम गठन भी किया गया, जिस टीम में हमारे थाना अध्यक्ष प्रवक्ता तो थे ही, इसके अलावा थाना अध्यक्ष गोपालपुर, थाना अध्यक्ष खड़ी, थाना अध्यक्ष इस्माइलपुर, कदवा, ढोलभज्जा, अन्य कई पदाधिकारी टीम में शामिल किया गया। और वहाँ सभी पदाधिकारी को जो हमने निर्देश दिया कि रिट्रीट को फिक्स किया जाए, फिर रिट्रीट जहाँ जहाँ कैमरा है कैमरा को देखा जाए और जहाँ जहाँ पैसा इकट्ठा हुआ है वहाँ के लोगों से बात की जाए, और FIR में भी घटना के वक्त जो आसपास लोग थे, वहाँ कुछ मजदूर सब काम कर रहा था, उन लोगों ने अपराधी को बात करते हुए भी सुना। एक ने अकला नाम का नाम यूज किया, एक ने दीपक नाम का यूज किया, जल्दी ले गाड़ी भागो, गोली मारो, ये लोगों ने सुना। ये जब जानकारी जब थाना प्रभारी को भी मिला तो उस पर भी काम करना शुरू किए, और कल जो हमारी टीम थी SIT काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से अच्छा अनुसंधान करते हुए गिरफ्तारी हुई। फिर पहले दीपक की गिरफ्तारी हुई, दीपक के फिर कन्फेशन पे जो लूटा हुआ जो मोबाइल था, ये मोबाइल बरामद होता है, उसके बाद उसके घर से फिर वो लूटा हुआ जो हिस्सा था मिला, 10,000 पैसा था, वो उसको बरामद होता है। और अन्य अपराधी जो हमारा है उस घटना में शामिल था, आपका अकला के बाद ये आपका डूलो है, अभिषेक है, सिंटू है। अभिषेक और सिंटू काम क्या था, वो लाइन का काम किया था, वो इन्फॉर्मेशन दिया था, वो जो गांव में ये पैसा इकट्ठा करने आता है उसकी जानकारी उसने शेयर की थी। आपका ये दीपक, आपका अकला और एक है डूलो,
जो तीनों अपराधी घटनास्थल पर पहले आया था, जहां उसने गोली मारा था। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। भागलपुर में सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है और अक्सर तेज रफ्तार के कारण बड़े वाहनों के साथ कार या बाइक भी दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं। ताज़ा मामला भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विशनपुर जीछो बाईपास का है, जहां ज्ञात वाहन से टक्कर के बाद यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हालांकि इस हादसे में बस पर सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कोलकाता की जगदम्बे बस यात्रियों को लेकर कोलकाता से भागलपुर के रास्ते बेगूसराय जा रही थी, तभी जीरो माइल बाईपास के समीप अचानक सामने से आ रहे अज्ञात वाहन से उसकी सीधी टक्कर हो गई और बस सड़क किनारे खाई में जा गिरी। जो कि सवेरे यहां पे एक्सीडेंट जो हुआ, तो वहां पे आवाज आया कि देखे, जब घर से आया जब शोर मचने लगा तब हम लोग आए तो देखा एगो एक्सीडेंट हुआ बस, उसमें सब सुरक्षित है, किसी को कुछ नहीं हुआ है, बट जो नुकसान हुआ है वो बस का हुआ है और सब बाकी सुरक्षित है। आप स्थानीय लोग हैं? हाँ, हम लोग यहाँ। पता चला जब आवाज़ सुने, जब शोर मचने लगा तब हम लोग घर से बाहर आए तो सचमुच देख रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। भागलपुर के सुल्तानगंज मुरारका महाविद्यालय मैदान में सद्भावना सीजन 3 के 2 दिवसीय 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन पूर्व विधायक प्रत्याशी रवि सुमन कुमार, डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, अरुण स्पोर्ट्स क्लब के सदस्य कृष्णा जायसवाल और शिक्षक डब्लू कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। टूर्नामेंट में 4 टीम ने हिस्सा लिया, जिसमें तक्षशिला कोचिंग सेंटर 11, स्टार सुपर किंग 11, माही 11 सुल्तानगंज की टीम शामिल है। बता दें कि मैच के दौरान अंपायर की भूमिका रवि कुमार अखिलेश कुमार ने निभाई, जबकि मौके पर आयोजन समिति के सदस्य सोनू कुमार, मनीष कुमार, रोहित कुमार सहित काफी संख्या में खेल प्रेमी और ग्रामीण मौजूद थे।